सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सऊदी अरब से, दुबई से, ओमान से, कतर से या अदर कंट्री में है कहीं भी, तो आप विदेश से इंडिया में के मोबाइल नंबर में कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, MB रिचार्ज या डाटा कहिए, या उनके मोबाइल में फुल टॉक टाइम डाल सकते हैं जो भी का आप, और डिश भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको टाइप करना है Paytm, उसको सर्च करना है। देखिए फर्स्ट पे ही है, कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का है, और आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट, तो वो डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन करना है। तो चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप अपना हिंदी में लेना चाहते हैं या जो भी जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट के लिए और ये कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं और इसको अलाउ कर देना है, फिर अलाउ करना है, अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपको, अगर पहले से आप रजिस्टर्ड किए होंगे तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और जो उसका पासवर्ड लगाए होंगे वो यहाँ पर डालना है। और अगर मैं नया बनाना है तो यहाँ पर देखिए नीचे है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर अपना मनपसंद कोई पासवर्ड लगाना है, जैसे आपको लगाना है 8 से ऊपर होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे लगाना है, कुछ कैपिटल लेटर में, कुछ स्मॉल लेटर में, जैसे आपको लिखना है ABCD बड़े लेटर में, उसके बाद छोटे लेटर में लिख दीजिए, उसके बाद 2-3 नंबर डाल दीजिए, एक बस इतना ही डाल दीजिए, बस ये 8 से ऊपर होना चाहिए। और अपना ईमेल आईडी डाल देना है gmail.com, उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इतना डाल के और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, और ये पहले बात बता दो, क्लियर कर दूँ कि आपको इंडिया का ही नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर जो OTP जिस पर आएगा वो इंडिया का ही मोबाइल नंबर। आप सऊदी हैं तो सऊदी का मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं, दुबई हैं तो दुबई का नहीं, और किसी कंट्री में तो वहाँ का मोबाइल नंबर ऑलरेडी इस Paytm में नहीं चलता है, तो हम इंडिया का डाले हैं। और इसको आपको कन्फर्म कर देना है, जैसे कन्फर्म करेंगे तो चलिए हम अपना डाल देते हैं। और डालने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, तो आप Paytm में लॉगिन हो जाएंगे। आप Paytm में लॉगिन हो जाएंगे तो देखिए यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के मैं बता दूँ, इसे मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया ईस्ट, और यहाँ पर इसका प्लान देख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्लान, तो मैं देख लेता हूँ 2G 3G। ऐसा नहीं है कि सऊदी से होता है, पहले वर्क नहीं करता था पर अभी वर्क करता है। आपको देखिए फुल टॉक टाइम है, 3G 4G 2G टॉप अप, स्पेशल रिचार्ज, स्पेशल रिचार्ज में ज़्यादा ही कुछ अच्छा रहता है, आप इसमें स्पेशल रिचार्ज में बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट इसी में रहता है, तो इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जितना है 199 पर क्लिक करेंगे, जो आपको ये पढ़ लीजिएगा कितने का रिचार्ज होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर प्रोसीड करेंगे तो रिचार्ज हो जाएगा, पर अभी नहीं होगा, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बैक चलते हैं। तो आपको KYC करना पड़ेगा, KYC मतलब आपको एक आधार कार्ड आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो आपको यहाँ KYC पर क्लिक करना है। देखिए तो चलिए हम KYC पर क्लिक करते हैं। तो जैसे KYC पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चले आएंगे, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है, नीचे रहेगा प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो जिनके आधार कार्ड में
ओटीपी आता हो, जब आधार कार्ड में जो ओटीपी आता हो वही आधार कार्ड डालिए, आपके घर में कोई भी हो उनका ही आधार कार्ड डालिए और आपको आई एग्री कर देना है इसको क्लिक करके और आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। और आपके पास आधार कार्ड नहीं है नीचे वाला आप देख सकते हैं, तो आपको पासपोर्ट डाल सकते हैं, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस उसका जो भी है आप देख सकते हैं अगर मैं आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो चलिए हम आधार कार्ड से दिखाते हैं। तो हम अपना आधार कार्ड डाल लेते हैं और डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक था वो उसी नंबर पे हमारा एक 6 अंक का पासवर्ड आएगा, इसमें फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आधार कार्ड का स्टेटस दिखाएगा पूरा, और आपको नीचे यस पे क्लिक करना है। तो देखिए ऊपर आएगा प्रोवाइड एडिशनल स्टेटस, तो आपको नीचे जो मैरिड हैं स्टेट तो उसको पूरा में फिलअप कर देना है। तो जो मैरिड हैं तो मैरिड, आधार है तो आधार, या अनमैरिड है तो अनमैरिड ले सकते हैं। तो सबको भर के मदर नेम और प्रोफेशनल आपका क्या है तो आप वो सिलेक्ट करके और फादर नेम, उसके बाद आपको आप अगर मैं आपके पास पैन कार्ड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो करना है। और उसके बाद नो है तो उसका इनकम डाल देना है आपको और यस पे क्लिक करके आई एग्री बटन पर क्लिक करके सबमिट करना है। तो चलिए हम इतना डाल के और सबमिट करते हैं। तो देखिए कंप्लीट हो गया, नीचे दिखाएगा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन टू कंप्लीट केवाईसी, तो आपका ही केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और आपको बैक आना है। तो चलिए हम बैक चलते हैं। अब आपको आना है, देखिए अभी हम पासबुक में चलते हैं और बैलेंस चेक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे बैलेंस नहीं है, 0 है जो भी है, ए 5 तो कुछ सिम। तो अब इसमें ऐड कैसे करना है, तो आपको एड मनी पे आना है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ जितना भी अमाउंट को ऐड करना है। तो आपको यहाँ मैं अभी 50 करता हूँ और एड मनी पर क्लिक करता हूँ। तो आपका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड है तो उसका नंबर डाल दीजिए और उसका जो भी एक्सपायरी डेट है वो डाल के और सीसीवी नंबर डाल के आपको ये पेन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हम अभी इंटरनेट बैंकिंग से डालेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ नेट बैंकिंग लिखा है, तो नेट बैंकिंग पर हम क्लिक करते हैं और जो भी आपका बैंक है नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी यूनियन बैंक से करने वाले हैं, तो ऊपर फर्स्ट पे ही दिखा रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और अगर मैं अदर बैंक का है नेट बैंकिंग तो इस पर क्लिक करके आप अदर बैंक का ले सकते हैं। तो अभी हम यूनियन बैंक से करने वाले हैं और पे नाउ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, उस पर फिलअप करके और आपको सबमिट करना है। तो चलिए हम फिलअप करके सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, जो भी इसका पासवर्ड लगाए होंगे तो हम ये डाल के और इसको वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं ये बैलेंस हमारे में ऐड हो गया है, पेटीएम बैलेंस। तो बैक चलते हैं और देखते हैं हम अपने पासबुक में जाकर, ये पासबुक है इस पर क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पर 50 ऐड हो गया। अब हम रिचार्ज करेंगे, तो हम आपको मोबाइल रिचार्ज मोबाइल प्रीपेड पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। ओके,
और यहाँ पर प्रोजेक्ट पेपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो गया और हमारे मोबाइल में अभी मैसेज भी आ जाएगा। देख सकते हैं ऊपर अभी हम 10 रुपये का रिचार्ज करेंगे, ये चला आया। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही रिचार्ज कर पाएंगे। और ये जो एट मनी होता है, जो एट मनी है वो हम सब बैंकों को बनाने वाले हैं इसमें, कि कौन से बैंक आपको चाहिए आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। एट मनी अभी हम यूनियन बैंक का बताया ना, तो हम हर बैंक का बताएंगे कि पेटीएम में कौन कौन सा बैंक, उसका थोड़ा प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उससे ही से वीडियो बनाया करेंगे। और देख सकते हैं हमारा अवेलेबल बैलेंस भी हो गया, 10 रुपये का रिचार्ज भी कर दिया हम। तो आप लोग भी आसानी से मोबाइल नंबर रिचार्ज कर पाएंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो का देखने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।